हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन स्टेट्स दैट स्टेट हुक्स लॉ। तो देखो बच्चों, की कंसेप्ट है हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ इलास्टिसिटी। तो देखो बच्चों, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं लॉ के लिए। ओके तो स्टेटमेंट है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका क्या मतलब है बच्चों? देखो, स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के लिए। मतलब अगर हमारे पास स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और अगर स्ट्रेस घटेगा तो स्ट्रेन भी घटेगा। तो देखो बच्चों, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अब अगर ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसको हम किसी कांस्टेंट के इक्वल मान के चलते हैं। ओके बच्चों, और इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो द फाइनल आंसर टू द स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ इज दिस, एंड दिस इज फर्दर एक्सप्लेनेशन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।